नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम छठा मुकाबला जो है दिल्ली के खिलाफ खेलने वाली है। शनिवार 16 अप्रैल को ये मैच खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, कहां पर होने वाला है, क्या है पिच रिपोर्ट, कंडीशंस क्या है, इसके अलावा दोस्तों आरसीबी टीम की एक फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इस मैच के लिए, वहीं भाइयों हेड टू हेड स्टैट्स क्या है, हेड टू हेड स्टैट्स में कौन सी टीम आगे दिख रही है, किस टीम का पलड़ा भारी है, किसे मिल सकती है जीत, सारी जानकारी आपको मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम फिलहाल 5 मुकाबले खेली है, 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 3 मैचों में आरसीबी टीम को जीत मिली है। अब अगला मैच होने वाला है दिल्ली के खिलाफ, शनिवार 16 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। बात करें कहां पर खेला जाएगा, तो भाइयों वानखेड़े में खेला जाने वाला है। यहां की पिच थोड़ी सी बल्लेबाजों को मदद करती है, ग्राउंड्स भी छोटे हैं इसलिए यहां पर छक्के ज़्यादा लगते हैं, लेकिन दोस्तों तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा उछाल मिलता है, स्टार्टिंग में गेंद घूमती भी है, इसलिए इस लिहाज से भी स्टार्टिंग में शुरुआत में गेंदबाजों को थोड़ी सी स्विंग और बाउंस मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में अगर बाई चांस आरसीबी टीम पहले गेंदबाजी करती है, फिर दूसरे भी गेंदबाजी करती है, तो हेजलवुड और सिराज जो है सामने वाली टीम को झटका दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, हम बात करें इस मैच से पहले आखिरकार आरसीबी टीम और दिल्ली टीम के हेड टू हेड स्टैट्स क्या है, किस टीम का पलड़ा यहाँ पर भारी है, तो आरसीबी टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी नज़र आ रहा है। हेड टू हेड स्टैट्स में दोनों टीमों ने आपस में 28 मुकाबले खेले हैं, 17 में आरसीबी टीम को जीत मिली है, जबकि 10 मैच में दिल्ली की टीम को जीत हासिल हुई है, एक मैच जो है बेनतीजा रहा है। तो कहीं ना कहीं हेड टू हेड स्टैट्स में आरसीबी की टीम का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। आने वाले मुकाबले में भी आरसीबी टीम का पलड़ा ही भारी रहने वाला है, क्योंकि वो पिछला मुकाबला भले ही हार कर आ रहे हों, लेकिन टफ फाइट देकर आ रहे हैं चेन्नई टीम को। इस लिहाज से आरसीबी टीम इस मैच को हर हाल में जीतने का पूरा ट्राई करने वाली है। अगर इस मैच को आरसीबी जीतती है तो इनके 2 और अंक हो जाएंगे, फिर इसके बाद इनको कम से कम 8 और अंक चाहिए होंगे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों, आरसीबी टीम का प्रयास यही होगा कि आने वाले सारी मैचों में जीत हासिल की जाए और कैसे ना कैसे इस बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया जाए, पहली बार चैंपियन बना जाए। डुप्लेसी जो है पहली बार कप्तानी कर रहे हैं आरसीबी टीम में, वो पहली बार खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे आरसीबी टीम को जीत दिलाई जाए। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार दिल्ली के खिलाफ आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो भाइयों, यहाँ पर इस मैच में हर्षल पटेल वापसी करेंगे, जिनकी प्लेस पर प्रभु देसाई पिछले मैच में खेले थे, हर्षल पटेल नहीं खेलते हुए दिखाई दिए थे। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि शायद प्रभु देसाई को बाहर करके हर्षल पटेल को टीम में ले आया जाए। अगर बाई चांस आरसीबी की टीम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ जाना चाहती है, तो फिर वहाँ पर आकाशदीप को बाहर करके आरसीबी की टीम हर्षल पटेल को अंदर ले लेगी। तो यही चेंजेस मेरे हिसाब से होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात करें फाइनल प्लेइंग 11 की, तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। ओपनर्स होंगे अनुज और फैफ, इसके बाद विराट कोहली, इसके बाद नंबर 4 पे मैक्सवेल, 5 पे खेलेंगे शाहबाज, 6 पर खेलेंगे कार्तिक, 7 पर खेलते हुए दिखाई देंगे हसरंगा, 8 पर खेलेंगे हर्षल पटेल, 9वें नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों वहाँ पर हेजलवुड, 10वें पे खेलेंगे सिराज और 11वें नंबर पे आकाशदीप या फिर दोस्तों सिद्धार्थ कौल की वापसी हो सकती है। और बाई चांस आकाशदीप बाहर जाते हैं, ये हो सकती है मेरे हिसाब से आरसीबी टीम की फाइनल प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, क्या रहना चाहिए आरसीबी की प्लेइंग 11 दिल्ली के खिलाफ मैच के लिए, आप भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।